हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। तो हमारा सबसे पहला टूरिस्ट प्लेस आता है कटरा मार्केट, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, अखरोट, सूखे से मुरमुरे जो चाहे लीजिए, यहाँ पर सब कुछ आपको अच्छे रेट्स में मिल जाता है। दूसरा हमारा कश्मीरी कपड़े, शॉल, जैकेट, स्वेटर वगैरह यहाँ पे बहुत खूबसूरत मिलते हैं। आप जितना मार्केट एक्सप्लोर करेंगे आपको यहाँ पर नई नई चीज़ें दिखती रहेंगी। इस मार्केट में आपको कस्टमाइज की रिंग्स भी मिलेंगे, डोर नेम प्लेट्स और भी बहुत सारी डेकोर की चीज़ें। खाने पीने की यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स होती हैं, आप जितना एक्सप्लोर करते रहेंगे आपको उतनी ही नई नई चीज़ें दिखेंगी। और वैष्णो देवी में सबसे बेस्ट और फेमस होता है यहाँ का कुलचा, छोले कुलचे। और यहाँ की सबसे मेन चीज़ है मंदिर का सामान, तो पाठ पूजा के लिए आपको जो भी सुंदर और डिफरेंट चीज़ चाहिए होगी वो आपको यहाँ से बिल्कुल मिलेगी। तो हमारी दूसरी जगह आती है शिवकोड़ी, जो कि कटरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आप ट्रेवलर भी कर सकते हैं या फिर आप प्राइवेट बसेस में भी जा सकते हैं, जो आपको कटरा बस स्टैंड से अवेलेबल हो जाएगी। ट्रेवलर से जाने के लिए आपको किसी भी ट्रेवल एजेंसी से इजीली बुकिंग मिल जाएगी। नॉर्मली 10 से 12 लोगों के ट्रेवलर के लिए वो लोग चार्ज करते हैं 2500 से 3000 रुपए। डिपेंड करता है आपका कितने लोगों का ग्रुप है, उसी अकॉर्डिंग आपको ट्रेवलर और चार्जेस पड़ते हैं। शिवखोड़ी के लिए पूरी जानकारी के लिए आप हमारा शिवखोड़ी संपूर्ण यात्रा वाला व्लॉग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी तीसरी मजेदार जगह आती है नथा टॉप हिल्स। इसे नाथ टॉप भी बोला जाता है और नथा टॉप भी बोला जाता है, जो कि कटरा से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 7000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पर ज्यादातर लोग पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग करने के लिए आते हैं। और यहां पर जो हिमालयन रेंज का व्यू है वो बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ जाने के लिए आप पटनी टॉप से एक छोटी सी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप पटनी टॉप से ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं, या फिर आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, या फिर आप अपने ट्रेवलर से जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए, ताकि आप पटनी टॉप, नथा टॉप दोनों जगह अच्छे से आराम से घूम सकें। यहाँ का जो रोड साइड फूड है वो एंजॉय करने लायक है, और यहाँ पर जो स्नोफॉल के लिए वार्म कोट्स होते हैं ना, वो इजीली रेंट पर मिल जाते हैं। और हमारा फोर्थ टूरिस्ट प्लेस आता है बाबा जित्तो मंदिर, जो कि कटरा से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये आपको शिवखोड़ी जाते हुए रास्ते में ही पड़ता है, तो इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है जो वैष्णो देवी से जुड़ी हुई है। और हमारा फिफ्थ टूरिस्ट प्लेस आता है नौ देवी मंदिर, जो कि शिवखोड़ी जाते हुए रास्ते में ही पड़ता है। और कटरा से ये मंदिर 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर का जो एम्बियंस है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको खूब सारी स्टेयर्स उतरकर नीचे जाना होता है, और यहाँ पर एक गुफा भी है जहाँ नौ देवियों का वास है। ये बेहद खूबसूरत मंदिर है, पहाड़ों के बीच में, यहाँ पर जाना ज़रूर बनता है। तो हमारी नेक्स्ट प्लेस है मानसर लेक, जो कि हाईली रिकमेंडेड है। ये कटरा से 61 किलोमीटर्स की दूरी पर है। फैमिली आउटिंग के लिए ये बेस्ट स्पॉट है, यहाँ पर जाना ज़रूर बनता है। ये मानसर लेक जो है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है, इसलिए माना जाता है कि इसकी परिक्रमा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं परिक्रमा करने, अपनी मनोकामना पूरी करने। इस परिक्रमा के दौरान आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, बहुत सारी फिशेस दिखेंगी लेक में, जिन्हें आप खाना भी खिला सकते हो, और शेषनाग बाबा का मंदिर। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, कैमल राइडिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़। यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ही टेस्टी है, तो उसे एक्सप्लोर करना ना भूलें।
नेक्स्ट जगह आती है बाबा धनसर, जो कटरा से 15 किलोमीटर दूर है। ये बहुत ही पुरानी जगह है। बोलते हैं कि ये शेषनाग बाबा का अवतार है। यहाँ पर शिव जी ने उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन दिए थे, तो इस जगह की बहुत मान्यता है। जो झरना यहाँ पर हर वक्त बहता रहता है, ये गुप्त गंगा बोला जाता है। कहते हैं आज भी इस झरने में शेषनाग बाबा वास करते हैं और ये झरना उन्हीं के ऊपर बहता है। तो ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट जगह है देवा माई मंदिर, जो कटरा से 12-13 किलोमीटर दूर है। ये एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो लास्ट जगह आती है नावा देवी मंदिर, जो जम्मू से 45 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर आर्मी के अंडर है, इसलिए यहाँ पे कोई भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती। 51 शक्ति पीठ में से एक ये मंदिर है, तो यहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।